वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो शीट आपको पहले शेयर की थी, उस शीट को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस मशीन वाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी का वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के इस चैनल पे जाके आप ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का शीट का वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने इस टेम्पलेट का फीचर्स बताए हैं। आप कैसे आपकी जो कंपनी का स्पेयर कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस टेम्पलेट के जरिए। टेम्पलेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड की है, डाउनलोड कीजिए पहले। तो डाउनलोड करने के बाद तो शीट आपको कैसे इम्प्लीमेंट करने है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपको कौन से स्टेप फॉलो करके आपको डेटा अपडेट करना है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले डाउनलोड करने के बाद आपको पहले क्या करना है कि येलो कलर की जो फील्ड्स है, इस फील्ड से आपको ये डेटा रिमूव करना है। अभी पहले तो डैशबोर्ड पे जाइए, डैशबोर्ड पे जो मशीन की लिस्ट है आपको इस मशीन लिस्ट को रिमूव कर देना है, क्लियर कर देना है। बाद में वर्किंग डेज इन मंथ, आपके अगर वर्किंग डेज 26 है तो ओके 26 रहने दीजिए, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आप या इसे चेंज करके लीजिए। और या येलो कलर के फील्ड में ही आपको डेटा फीड करना है, बाकी की जो भी फील्ड्स है वो उसमें फार्मूला है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाले है। तो आपको बाकी के सेल में कुछ भी डेटा एडिट करने का नहीं है, तो सिर्फ आपको येलो कलर के फील्ड में डेटा एंटर करना है। तो पहले जो प्री फील्ड डेटा है उसको भी आपको क्लियर कर देना है इस तरह से। अभी से आपका डेटा अपडेटिंग चालू होता है। अभी इस कैपेसिटी शीट में आपको यहाँ सेल मेंशन करना है, कौन सा सेल है। अभी प्रेस मशीन का सेल होगा तो प्रेस। मशीन नेम, अभी मशीन नेम यहाँ हमें सिलेक्ट करना है। अभी प्रेस का होगा तो आप प्रेस, अभी यहाँ एक लिस्ट शो होगी मशीन नेम में। अभी ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कौन सी शो होगी, आपने डैशबोर्ड में जो भी यहाँ लिस्ट प्रिपेयर की है उस हिसाब से यहाँ कैपेसिटी शीट, मतलब इस लिस्ट का रेफरेंस यहाँ है, ठीक है। तो यह आपको मशीन लिस्ट शो होगी, तो आपको यहाँ प्रेस मशीन का नंबर चूज करना है। पार्ट नेम, पार्ट लीवर ऑपरेशन है ब्लैंकिंग, साइकिल टाइम है इसका 8 सेकंड, प्रोडक्शन शेड्यूल है 80,000। अभी वर्किंग हावर्स इन अ डे, अभी वर्किंग हावर्स कितने हैं आपके एक दिन में, कितने डेज दिन कितने हावर्स आपके हैं, 24 आवर्स। अगर कम हो, अगर आपके हावर्स वर्किंग हावर्स कम हो तो आप यहाँ कम भी मेंशन कर सकते हो। अभी यहाँ तक हमने डेटा अपडेट किया, सिर्फ आपको यहाँ तक ही डेटा अपडेट करना है, आगे का डेटा वो ऑटोमेटिकली फार्मूले से कैलकुलेट होगा। अभी आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टोटल वर्किंग हावर्स इन मंथ कितना शो हो रहा है, 624, मीन्स पूरे महीने में आपका टोटल वर्किंग हावर्स कितना है, 624 इस मशीन पे। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मंथ, हमने 80,000 क्वांटिटी का यार शेड्यूल मेंशन किया है, पर हमारी कैपेसिटी कितनी है, 280,800। सो इस शेड्यूल को कितने हावर्स लगेगा कंप्लीट करने के लिए, 178। सो टोटल यूटिलाइज हावर्स कितना हुआ है, 178। टोटल टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन हावर्स या 178 ही दिखाएगा अभी। और हम नीचे डेटा जब अपडेट करेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, टोटल और इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। यूटिलाइजेशन बाय दिस स्टेज 28%, टोटल यूटिलाइजेशन 28%, स्पेयर टोटल यूटिलाइजेशन 28% और स्पेयर कैपेसिटी 72% का भी हमने सिर्फ 28% यूटिलाइजेशन किया है। अगर 80,000 इस पार्ट, ये पार्ट हम प्रोड्यूस करते हैं 80,000, तो हम मशीन को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से सिर्फ 28% यूज़ कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी 72% अभी भी बाकी है। और इस मशीन पे और पार्ट हम प्रोड्यूस करेंगे,
सेम यही मशीन हम यहाँ चूज करेंगे। और इस पे दूसरा पार्ट है ब्रैकेट, इसका भी ब्लैंकिंग हम यहाँ इस पे प्रोड्यूस करते हैं। और साइकिल टाइम है 8 सेकंड और इसका है शेड्यूल 90,000। ओके, और या ये भी 24 आवर्स हम यहाँ मेंशन करेंगे। अभी सेम 620, अभी ये आपको याद रखना है कि मशीन, सॉरी यहाँ प्रेस मशीन सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रेस मशीन। अभी आपको याद रखना है कि वर्किंग हावर्स 24 24, अगर सेम मशीन होगा तो वर्किंग हावर्स भी यहाँ 24 24 रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी इसका सेम टोटल वर्किंग हावर 624, मशीन सेम है। ओके, अभी यार 2,80,800 कैपेसिटी शो हो रहा है। अभी ये टाइम ड्यूलाइज जो 90,000 पार्ट्स है उसके लिए 200 आवर्स लगने वाले हैं। और यार 378 टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन हावर्स, यूटिलाइजेशन बाय दिस स्टेज। अभी इस स्टेज मतलब क्या है, जो लीवर पार्ट प्रोड्यूस किया था उसके लिए 28% यूटिलाइजेशन है और ब्रैकेट का 32%, तो टोटल कितना है 61। सेम यहाँ भी टाइम यूटिलाइज लीवर के लिए 178 हावर्स है और ब्रैकेट के लिए 200, इन दोनों को मिला के कितना हावर्स होता है 378। सो 378 यहाँ शो होता है। इस तरह से आपको डेटा अपडेट करना है, तो आपका सारा डेटा आपको अपडेट करना है तो आपको डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि अभी ये जो कैपेसिटी शो हो रही है ही आपकी ओवरऑल कैपेसिटी, आपको ये याद रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओवरऑल मतलब ये आपके पास कितने मशीन्स है, 12 मशीन्स है आपके पास, और 12 मशीन में सिर्फ आप अगर एक यहाँ हमने एक मशीन का डेटा अपडेट किया इसलिए क्या शो हो रहा है, टोटल स्पेयर कैपेसिटी मतलब बाकी का मशीन अपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे ऐसा शो हो रहा है, तो इस 95% स्पेयर कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी 5%। 5% क्या है, सिर्फ ये जो इस मशीन का 5% कंट्रीब्यूशन है। अभी ये ओवरऑल हो गया और आप नीचे देख सकते हैं मशीन वाइज, सिर्फ प्रेस मशीन, ये जो प्रेस मशीन हमने मेंशन की है इसका शो हो रहा है। इसका भी ब्लू कलर में टोटल अवेलेबल टाइम दिखा रहा है और जो भी ऑरेंज कलर में है वो यूटिलाइज टाइम है। ये 624 टोटल अवेलेबल टाइम है और 178 यूटिलाइज टाइम है। इस तरह से आपको ये डैशबोर्ड शो होगा। और मशीन वाइज कैपेसिटी इन परसेंटेज आपको यह शो होगा कि स्पेयर कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी कितने है। अभी 39.46 ये आपकी क्या है, स्पेयर कैपेसिटी है और यूटिलाइज कैपेसिटी है आपकी 60.54, पर्टिकुलरली इस मशीन्स की, इस प्रेस मशीन। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज 60 है और 39 की स्पेयर कैपेसिटी आपकी। तभी जब हम सारा मशीन्स का डिटेल यहाँ अपडेट करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड कैसा होगा आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ एक सैंपल डेटा अपडेट करता हूँ। इस तरह से मैंने एक सैंपल डेटा यहाँ अपडेट किया है, तो मैंने जो यहाँ मशीन्स जितने भी है अभी यहाँ तक मैंने डेटा अपडेट कर दी, इस यहाँ तक की जो मशीन्स है मैंने उन सभी मशीन्स का डेटा यहाँ अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड यहाँ शो होगा। स्पेयर कैपेसिटी है 60% और यूटिलाइज कैपेसिटी 40%, मींस अभी भी हमारे पास 60% कैपेसिटी है और हम पार्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ आपको एक नज़र में आपको शो हो जाएगी कि आपका प्लांट की कैपेसिटी कितनी, मतलब आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्लांट की मशीन्स को। तो आप और डिटेल में मशीन वाइज कैपेसिटी भी देख सकते हैं, कौन सी मशीन कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी मशीन पे क्या, कौन सी, मतलब आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकोगे कि आपको मतलब कौन से टाइप के मशीन के लिए स्पेयर कैपेसिटी, उस हिसाब से आप नए पार्ट्स ला सकते हैं उस हिसाब से। और ये मशीन वाइज आपको परसेंटेज शो होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। तो इस तरह से आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के कैलकुलेशंस बहुत ही स्मार्ट होने वाला है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और आप एक्सेल टेम्पलेट हमारे चैनल पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो।
तो आपको कोई भी हेल्प, अगर कोई भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो ये शीट इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप हमें मेल कर सकते हो।